चोरवा तो कुल हो कहें भर्ती नहीं करा तो हर भर्तिया के अलका तो कुल पक्का बेमान हो गए ना चोर है। अब कितना भर्ती करी किसकी है? अब देखिए किसका हवा है, ऐसे तो अखिलेश का हवा ज्यादा। अच्छा, ऐसे अखिलेश का वैसे 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 तो मोदी जी है ही जब खराबी है समय कुल नेहरू को देना थी, बात सही है का? नेहरू का दिन बा, नेहरू का कहना कि तू लोग चोरी कराया बाद में आता। आज के समय में हर एक लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना क्यों नहीं चाहते हैं? जमीन सरकारी हो, जमीन हमारी है, मायावती के जमाने का खिस्सा रहा। अच्छा। खाता फ्री वाला खोलेगा, वो भी वादा किए, वो भी कुछ नहीं किए। खाता खोला ना? अरे खोला तो उसमें गया, अच्छा नहीं आया, नहीं आया जो 1500 रुपया वो भी जेबा से गया। अच्छा, वो है बाहर जाता कोरोना तो कहीं है जा, कहीं मलेरिया, स्कूल बंद हो जाए। जो बना था सरकार इसके पारी हमारे हिसाब से तो फेल है। फेल है? हाँ। किस मामले में फेल है? बस इसी योजना के हिसाब से चुनाव तक में लागे ढाऊंगा ही ना कुछ हुआ ही, चुनाव तक सब छोड़ ले रही है कि अपन मजा ले जाए। अच्छा, चुनाव ले कोरोना ना आई? कुछ नहीं। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, यूपी चुनाव में इस बार हवा किसकी है यही पता लगाने हम लोग पहुंचे हैं सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र का जो परिक्षेत्र है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अलग अलग जगह जाकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं कि लोगों की राय क्या है, किन मुद्दों पर लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के किन कामों से खुश हैं, किन से नाराज़ हैं, वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी का क्या आलम है। ये सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे कि जनता की क्या राय है, और आप सुनकर लोगों से अंदाज़ा लगाइएगा कि इस बार यूपी चुनाव में हवा किसकी है। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं जी, तो अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है हवा किसकी है इस बार? अरे हवा तो बाप कहीं ये नहीं करना पारी जाए। अच्छा, मतलब योगी बाबा फिर से कहे से सरकार केंद्र वो नहीं गवा, यूपी में हर एक तरीके से व्यवस्था ये तू करी है, ऐसे उम्मीदवार के फिर कहीं ना हो। अच्छा अच्छा, पब्लिक का चाहते हो तो मान ले जाए कि अलग बात है नेता लोग। हम पैदा शेर भरालू ना करब, खाई गाँव भर 3 क्विंटल तो महंगाई कहाँ से ही। तो दो सरकार का दे भी अनुचित बा, कोई भी सरकार हो, मीन नहीं कहते नहीं कहीं, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी जी हो, माने कोई के सरकार का दोष नहीं, हमारे पैदा करबे के ऊपर दोष बा। सरसों कम बोई तो तेल महंगा हुई, सरसों बोई सस्ता हुई, आज आलू फिर हो गए 8-10 रुपया किलो, ऐसा हो गए 30 रुपया किलो, तो ही तो पैदा के ऊपर निर्भर बा, महंगाई सस्ता। जैसे आपने कहा कि जो चीज़ें कम पैदा होंगी वो महंगी हो जाएंगी, और डीजल पेट्रोल का जो मामला है उस पर तो वो टैक्स की वजह से महंगा हो रहा है, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ तो सरकार कहा जा सकता है कि बदमाशी है। सरकार के बदमाशी नहीं, हम भाई खाए के ठेकान नहीं, मोटरसाइकिल चाहिए दैजा में, भले बोरा जो बीचे पड़े पेट्रोल डीजल तो सरकार ही कहती है जला। नहीं, सरकार टैक्सवा बढ़ाओ थे ना, टैक्सवा तो न बढ़ी तो आई कहाँ बटा था तो दुनिया भर चाउर गेहूँ फ्री सेवा पैसा ही कुल बटा था तो आई कहाँ से टैक्स न लिया था। उनके कहे कौन खेती है कि चल तो खेती कराए केहूँ अखिलेश खेती करना कि मायावती खेती करनी के योगी मोदी खेती करना सही बात है, तो टैक्स वही ना लोग का खेती बा, जितने बटी हो उतने टैक्स लिया, बाट बंद कर टैक्स बंद कह जी के कहरा लोग मास्टर साहब लोग नहीं जा रहे हैं, 45,000-50,000 ले रहे हैं, अब 2000 की नौकरी करने वाले के यहाँ अपना लड़का भेज रहे हैं, जब अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो देश के ऊपर विश्वास करके हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या बात है। अच्छा चाचा, वो मंदिर वंदिर का भी कुछ मामला रहेगा? अरे मंदिर तक वो देश का जनता जाए वहाँ मंदिर देखा, ये हमें नहीं शोभा मंदिर मंदिर चाहे कुछ हो। जब अयोध्या फ्री कल्याण सिंह के जमाने में रह गई जा लक्ष्मण मंदिर के बुनियाद भराते रहे, हम गए देश का कुल ईटा बालू महंगा हो गई गिट्टी, और वही समय से महंगा हुआ चालू भल महंगा आज कितना पर पहुँच गल कहे के नहीं, अरे मेरे रह गए ना कोई के ना कुछ पथरा की मूर्ति रह गए बा, बा दुनिया भरे का नंबर वहाँ चुदे तड़ा था नाम बदे 15 लाख याद है कि भूल गया है? मैंने सुनबाई के लिए ना जानबाई के क्या तरीके एकदम साफ जवाब, हम 15 लाख सुनेंगे सुने भी नहीं, इंतजार भी नहीं है। भाटड़वा में तो लोग बोले थे कि भैया आएगा 25 लाख 15 लाख 15 लाख वो कहीं असर भाषण 15 लाख बोले थे कि आया का, वो ऐसे बोल दिए थे जुमला था। तो अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? अब देखिए किसका हवा है, ऐसे तो अखिलेश का हवा ज्यादा। अच्छा, ऐसे अखिलेश का वैसे
वैसे तो मोदी जी है ऐसे ऐसे अखिलेश की हवा ऐसे मोदी जी का नहीं है ये यूपी का चुनाव बाबा जी का तो है बाबा जी का बाबा जी का कुछ काम अच्छा लग रहा है 22 के बाबा जी आवत हो 22 के आवत हो हम कहीं 22 में आवत हो 22 को बाबा यहाँ आ रहे हैं सोनभद्र में कुछ कार्यक्रम है किसी मैदान में तो अच्छा 22 के आवत हो बता देना 22 मई वाला के है 22 मई वाला चुनाव बताइए 22 में देखल जाइए अच्छा चाचा आपकी बात सुन के अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई अरे हम तो पहले नौ फेलियर है हमारा तो नौ फेलियर है लेकिन आप एकदम सच्चे नागरिक की तरह बात कर रहे हैं किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं और एक नागरिक को जिस तरह से सोचना चाहिए चाचा ने उस तरह से अपने विचार रखे इंदिरा जी संघ का अध्यक्ष नहीं तब रोड पर गई रहे संघ का अध्यक्ष नहीं प्रधानमंत्री तो रहे कि नहीं जब 87 गाड़ी आई अब एक मंत्री जी आ जाते तो 87,000 गाड़ी आ जाती देख मंत्री जी लोगन के थ्रू में रैली में तो मैं उज्जर भई रही हूँ तरागर है बोल जाए पे दू थे बस निकाली ये कच्ची रोड रहा धूरी में जाई जा पैदल हम मन अच्छा जैसे आज का जो नेता हुआ बीजेपी के जैसे खास कर जो नेता हुआ उन्होंने लोग ये कहे ना कि जैसे जौन बुराई जौन खराबी है समय कुल नेहरू को देना थी बात सही है का नेहरू का दिन बाद नेहरू का कहना कि तू लोग चोरी कराया बाद में आता नेहरू तो नहीं कहेंगे तू लोग बाद में आया तो चोरी करा कुछ नहीं ये जब चरण सिंह के बाद है कुल कौन कौन तो कुल भैन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इन्ने सरवा लूट घर से जो देखाव है थोड़ा माई गड्डी ये गड्डी सरियावत कौन सुखराब नहीं के रहे हैं तब वैसे ही हरमैया आई है सरकार में अभी कितना सुधार था उनके सुधरले कितना चोरवा तो कुल हुए वहाँ कहें भर्ती नहीं करा तो हर भर्ती आके हल्का तो कुल पक्का बेमान हो गए ना चोर है अब कितना भर्ती करी अभी सोचता है योग्य करी तो योग्य रही है तो हमने कितना योग्य भर्ती करी तो योग्य करी है कैसे शिक्षा का बजट तो दिन पर काम कर जाता है जाता है जाता कोरोना तो कहीं है जाता कहीं मलेरिया स्कूल बंद हो जाए कहाँ से सुरक्षा कर बल न मत कर सुरक्षा करो कर बंद काहे करता अच्छा अगर आपसे जैसे ये पूछा जाए क्योंकि आप एकदम निष्पक्ष रूप से सबकी बात कर रहे हैं तो तीनों सरकारों को आपने देख लिया है इसके पहले बसपा थी फिर अखिलेश यादव थे मायावती जी थी बसपा है ना तो किसान के खेते खेते घुमावे लगना कि मजदूरी कितना मिल रहा है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है मायावती के जमाने का ही खिस्सा रहा अच्छा तो एक बड़ा चालू करी अपने जीते तो महा माया योजना लागू के लिए हर मेहरानू के पेंशन अच्छा अखिलेश जी भाई ना तो उसके कुछ कम बेसी कह के समाजवादी तैयार के लिए वो अंतिम में टूट गया इनकर कहा वो है अन्नदाता अन्न देता हूँ तो अगर तीनों की तुलना कही जाए तो अखिलेश जी एक पेटी बटोलन लाल कार्ड वाले के जना जितना कार्ड बनलबा सबके बटवा होता है तो नहीं भाई उनका तो महामारी वाला है ना ये अरे कौन महामारी वाला हो महामारी हम ये जानना चाहते हैं आपसे जो महंगाई है ना बढ़ल जन्म सीमा पर खाली गल्ला से सब घरे तो हो गल गल्ला लेकिन सब बेचता दुकानी के खरीद जाओ जैसे अगर अगर आंकड़ा देखल जाओ तो खाली 76,000 करोड़ रुपया साल भर में लगा लगल गल्ला बांटे में जोन घोटाला टैक्स कहता तो टैक्स वही ना बटा था क्या बटा था वो अपने घरे के ना बटा टैक्स बटोरल जा रहा है मंत्री जी के घरे के नहीं बटाए सब जान ले जाता है बात सही है सब टैक्स मैक्स लेके बांटन जाके अपने घर वहाँ के बांटन केकरे घरे हो खेती धई योगी मोदी के किनके घरे हो खेती हो महंगाई वंगाई कुछ मुद्दा रही का चुनाव में कुछ न मुद्दा फुद्दा रही जे जहाँ मन के तहाँ नहीं वोट देखिए पार्टी का काम है 36 से पार्टी लड़े कोई की नहीं कोई की नहीं आज हम कही कि हम फलन वही दे तो न मनाई ना वो समय ले बदल जी मूड वो चुनाव के समय होला का होला अच्छा जैसे आप गाय के प्रधान 36 से लड़ी है देखे दे वही कोई मूड बन जाए वो दिना कहे नहीं कि दीदा भैया जी छूट अब चाहे कुछ करो शुरुआत ही अच्छा बटन दबाओ दबाओ तो मूड बदल जाला ना तो अभी आप जैसे एकदम सटीक जवाब नहीं दिए उसका
कि मतलब इन तीनों में बेहतर कौन था? बेहतर बेहतर तो कुल से ये मैं देखा था योगी जी। हाँ भाई, पार्टी से माल नहीं चाहिए, पार्टी के माल नहीं, वो बात अपने जगह बात। तो बेहतर में कौन कौन है आप बेहतर देखा थे? कौन आंकड़ा मुद्दा पर? पहला काम ई रोड का, पहले तो बैरियर खत्म भल, यही दू थे पुलिस हम गाड़ जाऊ हम रोको वसूली वाला रोड वसूली वाला, ये तो पहला काम बंद भलवा बेचारे अपन ले जाता जो ले जाए खुई जाए। वो लोग के जमाने में बस रोको 150 तो ये तो पहली बवाल दूर भाई बार रोड वाली हैं, यहाँ स्थानीय वाला मामला, स्थानीय वाला तो हमने यही नहीं देखा था कि जाते ही दिल्ली देखो दिल्ली ना यूपी का जैसे ऐसा कौन मामला है? यूपी हमारा नहीं जा रहा, लखनऊ है ही खाली देखी रहे हम, लखनऊ को नहीं जा। सतीश पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? हमारा 10 तक हुआ है। 10 तक हुआ, इसके बाद छोड़ दिए? हाँ अच्छा। अभी वोट देने का समय आ रहा है यूपी में, विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी लग रही है? अब हवा तो अभी हमको कंफ्यूजन चल रहा है, सब लोग बराबर पे हैं, सब बराबर पे हैं। कौन कौन लड़ाई किस में लग रही है? अब तो देखिए यही लोग हैं, अब क्या बताएं आपका क्या विचार लग रहा है, सरकार पास है कि फेल है? अब जो बना था सरकार इसके पारे हमारे हिसाब से तो फेल है। फेल है? हाँ। किस मामले में फेल है? बस इसी योजना के हिसाब से जो हवा मुर्दा से कहते हैं कि ये करेंगे वगैरह, वादा के खिलाफ जो गए हैं। अच्छा, मतलब वादे बड़े बड़े कर दिए किए? हाँ, नहीं, इसीलिए वो तो कौन कौन वादा किया नहीं किए अब क्या बताएं, नाम तो मत पूछिए आप सभी लोग जानते हैं, वो हमें से क्या बता सकते हैं। अब जैसे बच्चों के लिए, जैसे स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए ये भी नुकसानी हुआ, और बहुत किए जैसे बैंक वाले खाता फ्री वाला खोलेगा वो भी वादा किए, वो भी कुछ नहीं किए। खाता खुला ना? अरे खुला तो उसमें गया, पैसा नहीं आया, नहीं आया जो 1500 रुपया वो भी जेब से गया। अच्छा, वो भी खत्म हो गया? वो भी तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं है, वो का इंतजार करेंगे अपना कमाई का इंतजार नहीं करेंगे तो उसका कमाई की। अच्छा अभी, अच्छा वो छुट्टा छुट्टा जानवर वगैरह हो कि ना? अरे वो तो हरान के ढालता हूँ किसान का। अरे बनौले बाए थू न पाता कहाँ हो रही हिंदुहारी जो कहा ले कहाँ के ले जाता कहाँ केंद्र कुल बड़ी जियान करता सन किसान परेशान हो झूठा ही कमाए तू के ले बल्कि हो रहे ले जाता था अपन कलकत्ता बम्बई तो ठीक है परेशान के दिन हो सब किसान की पब्लिक परेशान हो गए तब तो वो कहा सर भूसवाई नहीं मिला भूसवाई नहीं मिला तब तो कहा था कि योगी बढ़िया जब ठिका ले भूसवा कुल बेच खाई जी हैं अरे उनके जा नहीं करी तब तो कहा था कि ये बढ़िया हो। अरे बढ़िया उसे मानता है दोनों देशवा किसानन का है ना, किसान रोत हो तो क्या फायदा? किसान रोत का मां किसान कहां जाता है इतना फुर्सत भाव ऐसे कौन तो रहे ना नाम नहीं आओ कुमल सिंह कोई रहे बोलल मैंने एक दिन पेपर वह मन के देख ही के बा कहीं किसान इनके कहा इतना फुर्सत बाकी जाके धरना बैठी हाँ कुल नेता भर हूँ बैठल। अच्छा, ओजन कुल नेता बैठल रहना है कोमल सिंह या कुछ रहे से पेपरवा में दिले हम देख जाते जा के बैठल बाकी नहीं है तो वहाँ केहू बैठल है लेकिन सरकार के तो झुकाए गए। कृषि अधिकारी कुल आ रहे हैं तो कहें पुअरा सड़ी तो खाद हुई कम तो है खाद दे पड़ी यहाँ बाके नहीं हम जरा बै करब धुरू धीरे बै करब तो भाई उमें सरकार के कौन गलती है फिर छोड़ दिले कहाँ जाली से नीति से रह चाहे जरावा चाहे फूक चाहे देखी यहाँ के कर्मचारी दे रोक दीह तो कहा पैबा वहाँ से आई रोक कर्मचारी बदमाशी कर बिना कर्मचारी के कोनो कमो नहीं बदमाशी हुई। अच्छा गाँव में जैसे गांव का देखी ये हम जानी ला तीन कर्मचारी सुधर जाए जल्दी थाने का हल्का दरोगा जी जल्दी गाय का प्रधान जी क्षेत्रीय लेखपाल जी सिग्नेटरी सहित बने ये सुधर जाए तो कहीं ना चाहे कोनो का सरकार रहे उससे जनता एकदम खुश हो जाएगी। ये बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे कि ग्राम प्रधान कोटेदार और ये लोग अगर सुधर जाए प्रजा ने उसमें थानेदार को भी जोड़ दिया तो बहुत अच्छा मतलब आखिर कोनो विवाद भल आज क्योंकि तुरंत समझौता करा दे तो उनके आवत आवत जहर से कैश मिली वो हरिय बत रही तो काहे ने गलती हुई झगड़ा लगा के चल जाइए तब केवल आके दे यही काम लेखपाल भी करता है 1000 2000 5000 लेके दो लोगों को भिड़ा देगा सरकारी कैरेस के भूमि अधिग्रहण वाला माने जैसे ग्राम सभा में बा उसको माने
आप लोग सूचित करें, उसको सफाई करें, उसकी जिम्मेदारी लेखपाल की होगी, कहीं शिकायत मिले हो लेखपाल की होगी। लेखपाल के खोजत बासन धान बेचवा रजिस्ट्रेशन कर लेखपाल घरे सुतल बा मन उनकर पता ही नहीं। अब बताओ केकर दोष कहा, सरकार तो पेपर छाप दिले तो लेखपाल जिम्मेदार होंगे। लेखपाल छत्र तान के सोए हैं, सोहल का बा करे बदे सोहल बा जब पैसा मिली तब चदरा हटी तब। तो चाचा आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और निष्पक्ष रूप से आपने सारे मुद्दों पर जवाब दिया। यहाँ कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष क्या करते हैं? हमारा दुकान है। दुकान है, इतना सोच उसके काहे बता रहे हैं? अरे छापा थोड़े पड़ गए दुकानिया। तो वोट वोट दिला कि ना लगाते फिर हवा के कर हवा का भाजपा रही आगे भाजपा रही। कौन है मुद्दा पर वोट दिला लो? कौन मुद्दा जैसे कॉल आदमी दिया जैसे कुछ विचार विमर्श करे ला कि का सरकार सही करते गलत करते कि बस जेकर झंडा भैया हो देखा ऐसा बात बा के बदनाम है ये बाद में कोई कोर्ट दे कि कहीं कहीं भैया भाजपा ही हो भाजपा की दुकान तो कहा तो भाजपा की दिला। अच्छा मतलब यही है कि पहले से बदनाम ही चला। तो महंगाई बेरोजगारी कुछ है? सब बराबर बराबर है। आपका क्या नाम है? हमारा सतीश कुमार नाम है। सतीश कुमार चश्मा उसमें बड़ा भौकाली लगाए भौकाली लोग हैं तो। सतीश क्या करते हैं आप? क्या करें, दुकान है। दुकान है किस चीज़ की? वो है डीजे साउंड साइकिल। अच्छा डीजे साउंड है। तो आपको देख के अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा। तो अभी आपका काम धंधा तो लॉकडाउन में सब बंद रहा होगा? सब बंद रहा। तो अब कुछ सुधरा कि नहीं? अब धीरे धीरे लाइन पकड़ रहा है। लाइन पकड़ रहा है धीरे धीरे, पकड़ लेगा दो चार महीने। देखिए रहे फिर तीसरी लहर ना आई तो घबरा जाएगा। वो दो साल से तो घबरा गया है। अभी तो सरकार के इंतजार है कि हो न जाए, नहीं तो फिर खटिया खड़ी हो जाएगा। चुनाव तक में लाग डाऊ रही ना कुछ आई, चुनाव तक सब छोड़ ले रही है कि अपन मजा ले ला जाए। अच्छा चुनाव ले कोरोना ना आई? कुछ नहीं, कोरोना को मालूम है कि अभी यूपी में चुनाव होने वाला है। यूपी राज्य 6 राज्य में है ना? यूपी पांच को है ना? पांच अच्छा राज्य। तो जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ कोरोना नहीं आया? अच्छा कोरोना ये से नहीं कि रैलिया जो करेगी बा रैलिया में के जाई कोरोना में ये से फ्री रही ना रैलिया करेगी बा एक एक जने का 100 एक 112 ऐसे रैली हुई है। रैलिया में बनने कहीं नहीं है। तो चाचा अभी जैसे किसान वगैरह क्या हालचाल है, खुश हैं कि नाराज है? नहीं भैया हम लोग तो कदम दिन खुश हैं, नाराज कहाँ। आप क्या करते हैं? हम तो चूड़ी की दुकान वही की है। चूड़ी की दुकान है जी जी। आपकी बाजार मतलब आपका मार्केट? अरे एकदम मार्केट ठंडा चल रहा है, कतई बिक्री न बढ़ता, दिन भरे में 50-60 रुपया की बिक्री है बस। बात अगर बिक्री 50-60 की है तो इनकम क्या है? हाँ अरे इनकम कहाँ है, बाल बच्चे जो है मजदूरी कर आशा करते हैं, हम लोग खाते हैं। अच्छा मतलब दुकान अब टंटन गोपाल हो गया। तो चुनाव में ये सब मुद्दा रहेगा कि? अब देखिए चुनाव का अरे का मुद्दा तो जब जैसा गांव का होगा वैसा किया जाएगा। क्या नाम है वो? हमारा नाम रोहित गुप्ता है। रोहित गुप्ता, रोहित क्या हाल चाल है? अच्छा है। क्या करते हो? पढ़ते हैं। बीए फाइनल है। बीए फाइनल है। तो अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, वोट देना है कि नहीं? इस बार देना है। इस बार उम्र हो गई है ना? देना है। तो क्या लग रहा है हवा किसके इस बार? हवा में सपा। सपा मैंने अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ऐसा ही, इनमें क्या बुराई है? इनमें ये बुराई कुछ नहीं है, बुराई है अच्छा ही है इनमें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज के समय में हर एक लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो उनकी मर्जी है ना? ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन बनना तो चाहते हैं सरकारी टीचर, लेकिन बच्चों को भेजना क्यों नहीं चाहते हैं? ये कोई बाध्यता तो नहीं हो सकती ना कि आप सरकारी टीचर हैं तो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, प्राइवेट टीचर हैं तो? यही बात कहनी थी हमको कि मतलब भेजना क्यों नहीं चाहते, इसके लिए आदमी लोग को जागरूक होना चाहिए। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए, उसमें अच्छी सुविधा है, लेकिन लोग भेजते नहीं। सरकारी टीचर बनने के लिए तैयार हैं, जब टीचर बने, जब बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर बन के क्या होगा? ये एक बात तथ्यात्मक है कि सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर आगे तक जो भी अध्यापक होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं और कई परीक्षाएं पास करके जाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन चूँकि कुछ ऐसी परिस्थिति है वहाँ की कि जो तथाकथित उच्च जातियाँ हैं या फिर जो लोग विकसित हो चुके हैं थोड़े बहुत, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते हैं। तो यही इनकी शिकायत है समाज से, और ये चाहते हैं कि
लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें ताकि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता कम हो ना? हाँ। और सबको शिक्षा मिले, बराबर की शिक्षा मिले, तभी समाज में एक रूपता आएगी। अच्छी स्कूल है, तलक रही तो काहे सरकारी में यहाँ प्राइवेट का मान्यता ही देते रहिए लोगों ने हर साल पैसा ले ले मंत्री जी लोग शिक्षा मंत्री तो कहाँ से नाम नेट पे प्राइवेट का पहले तो बंद कराऊ। एक वक्त ऐसा भी था जब शिक्षा पूरी तरह से सरकार के हाथ में थी, प्राइवेट स्कूल नहीं थे, और उस वक्त जो लोग पढ़े जो पाँच तक भी पढ़ लिए वो बहुत बहुत अच्छा कर गए, और आज आप देखें बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं। हाँ है ना, जिस तक पहाड़ा ढा पोना सोया डेढ़ाई याद करके तब तीन में जाएंगे मिदू के बाद। अब तो हलिए नहीं चले का वाला आधा पोना सोया डेढ़ा सीधा सीधा पहाड़ा तो याद है ना। बीस तक पहले मास्टर साहब लोगों के ना बताई हाँ कहा पेपर में योगी जी के ना पूछे तो गई भाई नहीं कल कहूँ को मास्टर साहब के नहीं पढ़ा तो स्कूल। तो ये आइए यहाँ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि चुनाव को लेकर इनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र कुमार नाम है। महेंद्र कुमार, तो महेंद्र जी क्या करते हैं आप? बीएससी भी कम्प्लीट है, फार्मासिस्ट कम्प्लीट है दोनों। फार्मासिस्ट भी कम्प्लीट है, तो अभी दवा वगैरह देते हैं क्या देंगे अब? अब जब वैकेंसी आ रही है तो प्राइवेट में। अच्छा, सरकारी नौकरी की तलाश है तो है ही है। अभी यूपी में चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? हवा देखिए तो तीनों के हैं। तीनों की है? तेज किसकी है? तेज किसकी बताया, तीनों एक बराबर चल रहे हैं। तीनों एक बराबर है। क्या चाहते हैं अभी सरकार से? आप लोग संतुष्ट हैं रोजगार वगैरह के मुद्दे पर ही नहीं? देखिए हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग को रोजगार तो हम लोग को अब पढ़ाई के हैं तो नौकरी ही चाहिए। प्राइवेट तो करेंगे तो फिर प्राइवेट में कितना कर सकते हैं? प्राइवेट में क्या बुराई? प्राइवेट में क्या बुराई बहुत है भाई, प्राइवेट खोलेंगे आके फिर पकड़ लेंगे क्या वो तो। स्थिरता नहीं है, है ना, सिक्योरिटी नहीं है। अगर प्राइवेट खोलेंगे तो उसका भी पकड़ने के लिए नहीं चाहिए ना, तो लाइसेंस बनवा रजिस्ट्रेशन करवा दें तो फिर दोबारा क्या होता है कि लाइसेंस बन गया तो पर भी आएंगे कि ये है वो है दवा अनेक प्रकार है, तमाम तो तरीकों से परेशान किया जाए। अच्छा है कि मत खोलो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये सरकार भर्ती वर्ती की है कि नहीं? आप लोग एक भी नहीं भर्ती हुई है? एक भी नहीं हुई है। कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं, पास है कि फेल है? देखिए अब तो बता नहीं सकते। रोजगार के मुद्दे पे? रोजगार में देखिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब फेल है? फेल है? हाँ, मुस्कुरा के फेल बता रहे हैं। अब देखिए हम तो बैठे हुए हैं आपके सामने, फार्मा सिस्टम है तो कोई वो तो है नहीं कि गवर्नमेंट में कर रहा हूँ, गवर्नमेंट करे तो हम बताते नहीं गवर्नमेंट कर रहे हैं हम, तो सरकार से खुश हैं। सरकार से अभी खुश हैं, अगर मिलते हैं रोजगार तब ना। अच्छा, मिलेगा तब खुश हैं, तब फिर क्या? नहीं मिल रहा है तो अभी फिलहाल नाराज हैं? नाराज अभी देखिए, अभी फिलहाल अब योगी जी कह रहे हैं कि भी लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। आप तो चुनाव के एक महीना पहले कुछ भी दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, बट अभी तो मिला नहीं, अब मिलने वाला है, देखिए कब मिलता है। मंत्री जी बोल रहे हैं कि चुनाव के पहले क्या नहीं देंगे इसका कोई मने अभी ठिकाना नहीं, तो कहा दी है लोगों ने भगवान जाने। चुनाव से पहले कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन माना तब जाएगा जब चुनाव के बाद भी चीजें मिले। कई चीज बाहर में कि मोदी जी वहाँ से कहिया के माने 2000 गोयल तो बिहन जा खाता में आ जाई, इतना बाइन कर और चाहे भले आगे पीछे रहो। तो ये सब तो पहले भी मिलत रहे, जैसे 500 रुपया महीना मिले ना पेंशन ना, ये माने है जो समय किसान सम्मान निधि वाला तो जोड़ जाड़ के अगर देखा जाए तो उसमें तो ढेर मिलत रहे, अगर महीना के हिसाब से जोड़ल जाये तो 500 देते हुआ थोड़ा पेंशन मात है ये बात, पेंशन मात का पेंशन मिला ला हूँ। चलिए और बहुत 6 महीना से रुकल बाकी जन कहा भुलाल बा। अच्छा, चुनौगा में आ जाइए, चुनाव से पहले जितना आशा लगा कि भाई चले जितना अकाया बकाया कुल मिल जाए चुनाव से पहले, चिंता ना करिए। तो ये सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र से हमने लोगों की राय अब तक पहुँचाई। इस वीडियो को देख कर अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे लोगों के बीच हवा किसकी है और किसको चाहते हैं लोग, वर्तमान मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट होगा। हमने लोगों की राय अब तक पहुंचाई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।